पहले मैं आपको बता दूं कि सच्ची खबरें जानना आपका मौलिक अधिकार है, क्योंकि सच जरूरी है। सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। रविवार को सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नागपुर के कैंपस का उद्घाटन हुआ। वाटोड़ा में 75 एकड़ जमीन पर संस्था ने अपना कैंपस तैयार किया। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया। सिम्बायोसिस नागपुर यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट लॉ स्कूल, लॉ ऑफ प्लानिंग, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन नामक 3 संस्थाएं शुरू की गई। इनमें MBA, BBA, BR, BBA, LLB, BA और LLM पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे। शुक्रवार को शहर के रामदास पेट स्थित एक होटल में आयोजित पत्रकार परिषद यूनिवर्सिटी प्रो के संचालक डॉक्टर विद्या येरवडकर ने यह जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि संस्था ने अपने नागपुर कैंपस में नागपुर के नागरिकों के लिए 780 में से 25% सीटें आरक्षित रखी है। उन्हें फीस में 15% रियायत दी गई है। नागपुर शहर के बाहर के विद्यार्थियों के लिए कैंपस में ही रहने की सुविधाएं होंगी। डॉक्टर येरवडकर के अनुसार संस्था ने 13 महीनों में 13 लाख वर्ग फीट जमीन पर निर्माण कार्य पूरा किया। इसके लिए प्रसिद्ध हफीज कॉन्ट्रैक्टर और नामी कंस्ट्रक्शन की सेवाएं ली गई। संस्था आगे नागपुर के कौशल विकास के आधारित पाठ्यक्रमों के तहत फैशन, टेक्सटाइल, स्वास्थ्य, सूचना और तकनीकी पाठ्यक्रम की शुरुआत करेंगी। बता दें कि जनवरी 2018 में कैंपस का शिलान्यास किया गया था। डॉक्टर भामा वेंकट रमन, सुखविंदर बारी, डॉक्टर श्रीरंग अलटेकर, नागपुर के कैंपस इंचार्ज अमय येरवडकर व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। नागपुर शहर में केवल 5 से 6 किलोमीटर में हजारों हेक्टेयर में जैव विविधता फैली हुई है। आम नागरिक इस जैव विविधता का अनुभव ले सके, इसलिए सितंबर माह के पहले सप्ताह में गोरेवाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय जू का उद्घाटन किया जाएगा। ऐसा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को अंबाझरी के बायोडायवर्सिटी पार्क के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी व मुख्यमंत्री के हाथों पार्क के लोकार्पण कर आम जनता के लिए पार्क खोला गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर वन मंत्री मुंगटीवार, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के हाथों अंबाझरी पार्क के लोगों की डिजाइन की स्पर्धा में प्रथम आने वाली आर्या निमजे को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री परिणय फुके, विधायक सुधाकर देशमुख, जिला अधिकारी अश्विन मुद्गल, महापौर नंदा जिचकार, प्रधान मुख्य वन रक्षक यूके अग्रवाल, मुख्य वन रक्षक पीके कल्याण कुमार, उप वन रक्षक प्रभुनाथ शुक्ला उपस्थित थे। MNS News Live की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।